हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। कैसे हैं सब? तो आज है वेनसडे, मेरा ऑफ डे होता है और आज मेरी मम्मी आ रही हैं और छोटे भाई भाभी आ रहे हैं, प्रीतम और शिखर। तो बस मैं लगी हूँ किचन में, नहा लिया है और सफाई हो गई है। अब फटाफट एक गेस्ट थाली बनाते हैं, ठीक है। आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि फटाफट आप कैसे विद इन 1 आवर सारी चीजें बना सकते हो। तो उससे पहले जिन भी लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जो पुराने लोग हैं भैया, वो आप लोग भी सब्सक्राइब तो कर रखा है, शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ। और अभी मैं एक बिट का ये देखिए, यहाँ पे दूध रख दिया है मैंने, ये फुल क्रीम दूध है 1/2 kg। ये नॉर्मल दूध गर्म कर रही हूँ। तो मैं आज एक अच्छी सी मिठाई बनाऊंगी, कुछ डिफरेंट। साथ में बना रहे हैं दाल फ्राई, ढाबा स्टाइल स्मोकी दाल फ्राई जो मैं हमेशा बनाती हूँ। राइस बनाएंगे, जीरा राइस। रोटी रखूंगी मैं, ठीक है, आप चाहो पूड़ी भी रख सकते हो, मैं रोटी रखूंगी गर्मी की कढ़ाई में। और शाही पनीर कद्दू मैंने बना दिया है, ठीक है, कद्दू की सब्जी मैं बना चुकी हूँ पहले, क्योंकि हस्बैंड गए थे टिफिन बनाया था तो कद्दू बन चुका है। तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश, दाल शाही पनीर, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड से। मैंने लिया है 1/2 cup दूध, नॉर्मल हल्का सा गर्म दूध जो साइड में हो रहा है, और 1/2 liter फुल क्रीम मेरा ऑलरेडी बीच में गर्म हो रहा है जिससे हम कस्टर्ड बनाएंगे। मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच कस्टर्ड। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए 1/2 cup मिल्क के अंदर, और ताकि लम्स ना रहे। और फिर मैंने 1/2 kg दूध रखा हुआ है फुल क्रीम गैस पे, उसमें इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। प्रपोर्शन यही रखना जो मैं ले रही हूँ, तभी एग्जैक्ट बनेगा। और धीरे धीरे डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए ताकि कोई लम्स ना रहे। कस्टर्ड जैसे बनता है आपको पता ही है, सेम कस्टर्ड बहुत जल्दी बन जाता है। और इसमें फिर हम शुगर डाल देंगे एज पर आपकी चॉइस। साथ में ही साइमल्टेनियसली मेरी दाल बन रही है, तो मैंने चने की दाल, मूंग दाल थोड़ी सी और अरहर की दाल को मैंने नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है, एक तेज पत्ता डाल के। ये दाल बहुत अच्छी लगती है यार, मेरी तो फेवरेट है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। एंड टाइम देख सकते हो 10 o'clock हो रहे हैं, है ना, यानी अराउंड 1 आवर में आपकी फटाफट पूरी थाली बन जाती है। मेरा 1.5 घंटा लग गया था क्योंकि बीच बीच में मैं बात करने लगी, कपड़े सुखाए ये वो, बट प्रॉपर 1 आवर में आपका फुल थाली रेडी हो जाती है। तो ये कस्टर्ड को मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको बंद करके साइड में रख दिया है चीनी डाल के मैंने। अब मैं शाही पनीर की भी तैयारी कर रही हूँ। शाही पनीर के लिए मैंने प्याज डाल दी है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि जो मसाला यूज कर रही हूँ उसमें सब कुछ है, मिर्च और टमाटर बस, ठीक है। प्याज टमाटर मिर्च इसको मैंने हल्के से तेल में डाल दिया है और इसको हमें मिक्स करना है। ये देखिए जो मसाला है इस पर मैं दिखा भी रही हूँ, इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, डू नॉट ऐड सॉल्ट और एनी अदर स्पाइसेस व्हाइल मेकिंग शाही पनीर। तो एक पैकेट यूज करना है 250 पनीर में। आप चाहो तो अगर आपको कम लगता है इसके बाद आप अपने मसाले ऐड कर सकते हो, जैसे हल्का सा नमक मैं ऐड करा था मैंने ऊपर से। तो ये STS का शाही पनीर मसाला है, इसको हम बाद में जब ग्रेवी बन जाएगी तब डालेंगे। तो बस अभी फिलहाल के लिए इसको बंद भुनने देते हैं, थोड़ा गलने देते हैं। दूसरी कढ़ाई में बना रही हूँ स्वीट, उसमें मैंने लिया है 1/4 cup घी और इसमें रोस्टेड सेवैयां, पतली वाली जो आती है ना, बिल्कुल पतली वाली जो आती है, उनको हमें हल्का सा भुनना है, बस ऑलरेडी रोस्टेड है, बस हल्का सा हमें घी में कोट कर लेना है उसको। जब अच्छे से कोट हो जाएगा आपको दिखने लगेगा खुद ही ना, और ड्राइनेस उसकी खत्म हो जाएगी हल्की से। हल्का सा घी में रोस्ट हो जाए, खुशबू, जलाना मत, बहुत जल्दी जलती है गैस बंद करके फिर आप काम करना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था जलने लगी थी, मैंने फिर गैस बंद करके ही काम किया। इसमें 1/4 cup मैंने शुगर डाली है, 200 ग्राम जो है सेवैयां हैं और 1/4 cup शुगर मैंने इसमें ऐड की है। बट आई विल प्रिफर आप लोग बनाओ तो शुगर मत करके पाउडर शुगर लेना, क्योंकि ये ना शुगर मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा था और उससे फिर आपकी सेवैयां जलने का डर रहेगा। और इसमें मैंने डाला है फिर 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर, आप चाहो तो इसकी जगह 1/4 cup दूध ले सकते हो, और बल्कि इंस्टेड ऑफ पाउडर दूध ही यूज करना। मेरी चीनी मोटी थी तो थोड़ा सा गलने में दिक्कत आई थी, बहुत ज्यादा इसको से छोड़ चलाते रहना, बस फिर गैस बंद करके ही करना, चीनी यानी मेल्ट हो जाए।
तो ये थिक सी हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा स्वीट के लिए। हम बना रहे हैं नवावी सेवई। मैं भी फर्स्ट टाइम बनाया था यूट्यूब पे देख के, मैं बहुत अच्छा बना था। तो ये देखिए हमारी होगी, जब थोड़ा सा ठंडा करके इसको हमें किसी भी सर्विंग बाउल में नीचे एक लेयर बना देनी है प्रेस कर करके। ये देखिए क्लियर बन गई है। कस्टर्ड को ठंडा करके, थोड़ा ठंडा हो जाए इसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल देंगे। यानी फ्रिज में नहीं रखा मैंने, बस गैस पे बंद करने के बाद जो थोड़ा सा ठंडा होता है वो डाला है। और फिर अगेन ऊपर से आपको जो सेवई हमने मीठी सेवई बनाई थी उसको डालना है। प्रेस मत करना, बस हाथ से स्प्रिंकल कर देना, फैला देना हाथों से, दबाना नहीं है हमें, वरना वो कस्टर्ड में मिक्स हो जाएंगी। और इसके ऊपर फिर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऑफ योर चॉइस। मैंने लिया है काजू बादाम और पिस्ता और किशमिश मैंने ऊपर से डाली थी रेजिंस, तो आप ये डाल सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी है। इसको फ्रिज में ठंडा करने रख दो कम से कम एक दो घंटे और फिर सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई ज़रूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत यम्मी रेसिपी है। मैंने शुगर फ्री से बनाया था कस्टर्ड, तो आप चाहो तो शुगर फ्री कर सकते हो। अब मैं साइड में दाल फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑयल घी लिया है, देसी घी, उसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाल के प्याज भून ली है। ऑलरेडी मैं खैर ये दोनों रेसिपीज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दूसरी पैन में मैंने घी डाल के थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के, यानी देगी मिर्च डाल के, और अपना जो टमाटर प्याज का मसाला बनाया था उसको पीस लिया है और उसको अच्छे से भून लेना है। दोनों देखो साइमल्टेनियसली, जब भी कोई गेस्ट के लिए आप बनाते हो तो साइमल्टेनियसली चलता है। अगर साथ में ही चाहते तो चावल हम रख सकते हैं, बट यूजली चावल गर्म बनाते हैं, तो मैंने तभी गर्म गर्म बनाए थे, वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर आटा साथ में लगा दो जब तक सब्जी बन रही है, तो फटाफट सारा काम हो जाता है। तो वहां मेरी ग्रेवी भून रही है, अच्छे से भून लो जब तक थोड़ा सा पक जाए, घी छोड़ने लगे। मेरे में घी कम छोड़ता है क्योंकि मैं घी डालती ही कम हूँ। इसमें मैंने प्याज के साथ फिर हमें उसमें टमाटर डाल देना है। ये रेसिपी जो है दाल फ्राई स्मोकी फ्लेवर ढाबा स्टाइल में ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। जो पनीर मैं शाही में पनीर बना रही हूँ इसमें डालूंगी, इसको थोड़ा सा मैंने मसालों से कोट कर लिया है, नमक धनिया और देगी मिर्च, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और उसमें मैंने दाल के लिए मैंने बस सिंपल कुछ भी, दाल में भी हम अलग सा कुछ नहीं डाल रहे हैं, प्याज टमाटर भुनिए और उसमें मन चाहे मसाले डाल के, जैसे मैं धनिया डाल रही हूँ। मेरे यहाँ पे यूजली धनिया देगी मिर्च हल्दी बस यही यूज होती है, और किचन किंग मसाला डाल लो या फिर जो भी आपको किचन किंग है या गरम मसाला, मैं किचन किंग यूज करती हूँ तो वो डाल दिया है। और बस उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, टमाटर अच्छे से गल जाए इतना हमें दाल के लिए उसको फ्राई करना है। शाही पनीर में देखिए वो मसाला भुन गया है, अब इसमें हम मलाई डाल देंगे, अमूल क्रीम डाल देंगे, आपकी चॉइस है कितना डालना है, एक दो चम्मच, और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा साइड में, आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मलाई डालते टाइम पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया था, फिर वापस गैस ऑन की है, थोड़ा सा केचप डाला है, टमाटो सॉस, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। साइड में साइमल्टेनियसली मेरे टमाटर भी भून रहे हैं दाल के। दाल को मैंने चने की दाल भी थी, मेन चने की दाल ही होती है दाल में, और शाही पनीर में मैंने डाल दिया है SGH का शाही पनीर मसाला एक पैकेट, क्योंकि मैं 250 ग्राम पनीर यूज कर रही थी तो उसमें वन पैकेट मैंने डाला है। अब वो आपके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है पनीर, इसको मैंने मसालों से कोट किया था। हल्दी मैं यूज नहीं करती हूँ शाही सब्जियों में, अगर आप लोग डालना चाहें आप डाल सकते हैं, बट मैं कभी भी नहीं डालती हूँ जहां पे भी ढाबा स्टाइल बनता है। ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक मैंने वैसे ऐड नहीं किया था, जो मसाले में नमक है वही है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और आपकी शाही पनीर रेडी है एंड इट वॉज वेरी यम्मी, टेस्ट वाइज ऑल्सो अच्छी बनी थी, गुड। और यहाँ मेरे टमाटर भून रहे हैं, दाल मैंने उबाली ली थी,
क्योंकि इसमें चने की दाल है तो सीटी थोड़ी ज्यादा लगवाते हैं, 3-4 सीटी लगवाते हैं तो बन जाती है। ये देखिए सिंपल दाल है, बिल्कुल सिंपल दाल है, लेकिन जो इसमें ट्विस्ट होता है वो होता है मेन हमारा स्मोगी फ्लेवर जो आता है ना, उससे एनहेंस हो जाता है दाल का टेस्ट बहुत ज्यादा। और मैंने थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल दी है। और ये देखिए मेरी मिठाई, इसको टेस्ट करवाते हैं। इसको ठंडा होने दीजिएगा तभी निकालिएगा। मैं तो ये मेड को टेस्ट करवा रही थी क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई थी तो कहा आइडिया हो जाए। आप देख सकते हो तो कितनी अच्छी लेयरिंग आई है, लेयर की तरह ही इसको निकालिएगा और फिर सर्व कीजिएगा। इसमें दिखा रही आज ये बताइए खा के। हाँ आज रिंकू टेस्ट करके बताएगी कैसा बना है। अच्छा है, बहुत अच्छा। सब सब टेस्ट करके बता रही है ये शायरी, बहुत अच्छा। जल्दी हम रिंकू को लेके आएंगे अपने वीडियो में मेकअप के साथ। ये ब्यूटी पार्लर भी सीख रही है, फिर ये कर रहेगी मेरा मेकअप। तो चलो अभी वो लोग आए नहीं है, मम्मी लोग। थैंक यू। तो ये देखिए 11:25 है, बीच में गैप्स के साथ मेरा सारा खाना बन चुका है। तो इजीली आप 1 आवर में बहुत अच्छी खाली बना सकते हैं। 11:25 हो रहे, बीच में मैं रुक गई थी, अनायशा बच्चों की क्लास भी चल रही थी, तो मेरी सब्जियां डन है। ठीक है, ये दोनों आटा लगा के रख दिया है, मिठाई आपको दिखाई थी फ्रिज में रख दी है, और चावल गरम गरम तभी बनाऊंगी बस। तो एवरीथिंग इज डन। वो लोग आएंगे तो मैं शूट कर पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। अगर कर पाई तो जरूर दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलो, तो ये देखिए ये है दाल, ये मेरी शाही पनीर, इसको मैं अभी दम लगा के छोड़ दूंगी। ठीक है, और ये है हमारी कद्दू शाही पनीर। तो ये 3 सब्जियां मैंने बनाई हैं आज। स्वीट मैंने फ्रिज में रख दी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। सबसे पहले मैंने स्वीट बनाई ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी, और ये, और अगर चपलेट लगाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हमारी थाली रेडी है, आप देख सकते हैं। ये है शाही पनीर, कद्दू, राइस, बूंदी रायता, दाल, स्मोकी दाल ढाबा स्टाइल, हमारी नवावी सेवैयां और रोटी। सैलेड और वो नहीं रखा है मैंने, खाली नॉर्मल थाली दिखा रही हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। और ये भाई भाभी हैं, ज्यादा ऐड नहीं किया मैंने क्लिप, वो खाना खा रहे थे और बस जाते हुए, ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नए ब्लॉग में कुछ नया लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मम्मी को दिखाती हूँ कल के।